सब्सक्राइब कीजिए हैकर पर भी आइंस्टाइन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हैकर प्रवीण आइंस्टाइन के साथ। तो आज के इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूं कि अगर आप कोई मूवीज डाउनलोड करते हैं तो इसमें आपको कुछ एरर्स आ रहा है, यू आर नॉट अथराइज्ड टू वेब पेज ऑफ दिस डॉट कंप्लेंट्स, तो इसको कैसे फिक्स किया जाए दोस्तों। तो इसी चर्चे में आपसे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि ये जो आपने जो कभी देखा होगा ऐड वाला ADF.LY, तो उसे मैंने वो नहीं किया क्योंकि मुझसे भी वो नहीं हो रहा था, क्योंकि इसकी ऐड होता है उससे नहीं हो रहा था। तो मैं दूसरे तरीके से, दूसरे स्टेप से मैंने वो किया। तो मैंने इसको बहुत खोज किया जिसका ऐप बताऊँगा मैं, तो इसी वीडियो पर चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसमें से मैं आपको बता देता हूँ, पहले आपको मूवीज़ दिखा देता हूँ कि कौन से मूवीज़ में आपको प्रॉब्लम आती है। तो चलो मैं कोई सब एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे हाल ही में रिलीज़ हुई है अभी भूमि करके, तो चलिए मैं वो लिख लेता हूँ, मूवीज़ काउंटर / भूमि जो हाल ही में रिलीज़ हुई है। चलो मैं इसको मैंने ट्राई किया दोस्तों, तो इसमें वही कंप्लेन एरर आ रही है, तो चलिए उसको कैसे फिक्स किया जाए। तो चलिए दोस्तों मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको स्क्रीन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही ये पेज खुलेगा तो इसमें एरर्स आ जाएगा, जो कि आपके भी ट्राई किए होंगे तो आपके माया होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर इस पर तो बोल दे रहा है यू आर नॉट अथराइज टू एक्सेस दिस वेब पेज एज पर डॉट द कंप्लेंट्स। तो चलिए दोस्तों इसको मैं आपको फिक्स करके बताऊँगा। ये बिना आपको ADF.LY करके दिखाने वाला हूँ, जो कि आप जो स्किप करते हैं, किसी किसी में वर्क करता, किसी किसी में नहीं भी करता। तो चलिए इसका सोल्यूशन कैसे करें, तो इसमें ऐप जो मैं डिस्क्रिप्शन पर दे रखा हूँ आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वो ऐप का नाम बता देता हूँ जिसका नाम है अल्ट्रा सर्फ, वो डिस्क्रिप्शन मैंने दे दी रखी है, क्योंकि पीसी के लिए भी एंड्रॉयड के लिए भी, तो दोनों में डिस्क्रिप्शन पे दे रहूँगा। तो मैं अल्ट्रा सर्फ को डाउनलोड मतलब ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद जैसे ही ओपन हो जाएगा तो इसमें ये आपको ये खुल जाएगा, तो ओपन हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक आपको ले लेगा, इसमें आपको कोई करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक आपसे कैच कर लेगा। ये एक डायरेक्ट VPN नेटवर्क से जुड़ जाता है दोस्तों, ये आप बहुत ही सावधानी से इसको चलाइएगा, ये जितना अच्छा है यूज़ के लिए उतना ख़तरनाक भी है। तो इसको बस आप सिर्फ उसी पर्पज़ के लिए यूज़ कीजिएगा जो इसमें आपको एरर आता है। तो ये थोड़ा वेट लगता है होने में। इसमें थोड़ा समय लगेगा, आपके में भी समय लग जाएगा थोड़ा इसमें। तो इसमें ये आपको आता है, इसको आपको अलाउ एक्सेस कर देना होगा, प्राइवेट नेटवर्क में जाके आपको इसमें अलाउ नेटवर्क्स कर देना होगा। इतना करने के बाद आपको कट बैक जाना होगा, अलाउ एक्सेस कर देने के बाद आपको इसमें बैक जाना होगा। ठीक है, रिफ्रेश मार दो। तो जैसे कि बता दूँ इसमें हैंग होने की संभावना ज़्यादा रहती है, ताकि ये बहुत ज़्यादा रैम खींचता है, तो इसीलिए ये हैंग होने स्टार्ट हो जाती है। अगर आपका अच्छा रैम होगा तो आपके में नहीं होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर टिक हो जाएगा 94.7%, मतलब आपका उतना ठीक है, क्लियर है, स्पीड है, लिमिट उतना आपको दे रहा है। तो चलिए इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ, इसे आपको टिक होना चाहिए दोस्तों जहाँ पर उस देख रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग वही पेज को खोल के देखते हैं क्या अब उसमें एरर बता रहा है कि नहीं। तो इसमें आपको क्या अगर रिफ्रेश करना हो तो होगा वही पेज पे जो एरर बता रहा है उसमें आपको रिफ्रेश कर देना होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। देखते हैं ये खुलता ओपन होता है कि नहीं।
दोस्तों ये ऐप जो है अल्ट्रासाउंड मैंने बहुत ही खोज करने के बाद पाया है, आखिर में इसका सोल्यूशन निकल गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, जो मेरा पेज में जो एरर बता रहा था वो एक्चुअली में ओपन हो गया। तो चलिए मैं इसको आपको पूरा डाउनलोड करके प्रोसेस बताऊंगा मैं। तो इसको यहाँ पर जाकर आपको क्लिक कर लेना है। दोस्तों इसमें बता दूँ, जैसे ही वो अल्ट्रासाउंड इंस्टॉल कर दो पीसी पे आप, तो उसमें हैंग होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर आपके पास रैम थोड़ा 2 GB या 3 GB रैम हो तो कम रहती है। वैसे तो मेरा 4 GB रैम है तो थोड़ा चला ले रहा है, लेकिन आपको 2 GB रैम हो तो शायद आपको चला भी ना पाए उसको। तो आपका अच्छे ही बेटर होगा कि आप अच्छे रैम पे करें, ठीक है। तो चलिए इसको मैं आपको ओपन करके बता दे रहा हूँ कि ये कैसे डाउनलोड होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ कि जो मैं मूवीज़ डाउनलोड करता हूँ तो मैं मूवीज़ काउंटर्स करता हूँ। ये बेस्ट ऐप है मूवीज़ काउंटर, जिसे मैं डाउनलोड करता हूँ। इसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा मैं। तो देख सकते हैं दोस्तों मूवीज़ काउंटर का पेज, इसको से क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसमें क्लिक करोगे तो ये कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा। तो चलिए इसको मैंने स्लाइड कर देता हूँ। तो बता दूँ दोस्तों, इसमें आपका 1.5 GB का मूवी है, इसमें पूरा आपका डिटेल्स इंफॉर्मेशन सब आपको बता देता है इसमें। ये बहुत ही बेस्ट ऐप है मूवी पिक्चर डाउनलोड करने के लिए, मूवीज़ के लिए। इसमें ये मूवी है जो भी लेटेस्ट होता है वो तुरंत निकल जाती है। तो इसमें आपको स्क्रीनशॉट थंबनेल दे देता है, हमको ऐसा क्वालिटी में मूवीज़ देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको सैंपल भी रहता है दोस्तों, जो कि 14 MB का है, कि आपको सैंपल देखना तो पहले सैंपल देख सकते हैं या तो पूरा मूवी डाउनलोड करते हैं। इसमें आपको सिनॉप्सिस भी मिल जाएंगे दोस्तों कि पिक्चर कैसे बनी है, कौन बनाया है, इसमें आपको टाइटल क्या है, किस बारे में है, कैसी मूवी है, को सब इसमें पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं इसको मैं डाउनलोडिंग पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखते हैं डाउनलोडिंग होता है कि नहीं। तो जैसे ही डाउनलोडिंग होता है तो ये कुछ इस तरह का प्रोसेस होने लग जाता है, नीले कलर की ये जो मतलब चलती रहती है, तभी आपको पता चल जाएगा हाँ डाउनलोडिंग होगा कि नहीं। तो ये 1.5 GB का मूवी है दोस्तों, ऐसे आपको कोई चक्री टाइप का घूमने लग जाएगी दोस्तों, ताकि ये मूवीज रनिंग पे ले रही है। ऐसा कुछ होने के बाद थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों, फिर आपको एक तो परमिशन देगा डाउनलोड करना है कि नहीं, तो इसमें आपको परमिशन क्लिक कर देना है। तो इसमें बोल रहा है थैंक यू फॉर यूजिंग आवर सर्विस, बोल रहा है हमारा वेबसाइट यूज़ करने के लिए धन्यवाद। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, ऑटोमेटिक आपके यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपके पास IDM है तो डायरेक्ट IDM से हो जाएगा, नहीं तो आपको कोई भी ब्राउज़र है आप उससे वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं IDM से करता हूँ स्टार्ट डाउनलोड। तो ये मेरा जो है डाउनलोड हो रहा है। चलिए हम सबको दिखा देता हूँ मैं। तो देख सकते हैं यहाँ से दोस्तों, यहाँ मेरा डाउनलोड हो रहा है। जहाँ एरर बताता था वो मेरा फिक्स हो गया है, ठीक है दोस्तों। देखिए ये कितना इजी प्रोसेस है, बस आपको वो डाउनलोड करना है, जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखी है, ठीक है। ये बहुत फ़िलहाल तो मैंने डाउनलोड कर रखी है, तो उसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों ये तो हो गई बातें, अब मैं आपको बताऊँगा कि आप एंड्रॉयड में कैसे इसको फिक्स कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर हमको एंड्रॉयड के बारे में भी बता देता हूँ। तो चलिए इसको काट लेते हैं। तो यहाँ पर मैं नॉक्स खोल लेता हूँ। दोस्तों क्या है कि मेरा जो एंड्रॉयड फ़ोन है उसमें अल्ट्रासाउंड ऐप ओपन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये भी ज़्यादा रैम खींचता तो एंड्रॉयड के लिए जाहिर से बात है उसके लिए भी खींचेगा। कम से कम आपका 3 या 4 GB रैम तो होना ही छोड़ना है, मतलब अगर एंड्रॉयड में, तभी आपको जो अल्ट्रासाउंड है वो चालू होगा। तो यहाँ पर मैं PC के द्वारा एंड्रॉयड में यूज़ करने जा रहा हूँ, ये भी एक एंड्रॉयड की तरह ही काम करता है दोस्तों। तो इसके लिए मैं PC में आपको उसके ज़रिए बता रहा हूँ एंड्रॉयड में। तो घबराने कोई बात नहीं, ये जो प्रोसेस करूँगा आप वही सेम एंड्रॉयड में भी कीजिएगा। तो इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है एंड्रॉयड में ऐप की, अल्ट्रासाउंड जो कि नाम है। तो इसकी मैं आपको आइकन दिखा देता हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। इसको थोड़ा खुलने में थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों। तो थोड़ा उसमें वेट कर लेते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ दोस्तों इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम ऐसी टेक्नोलॉजी वीडियोस आपके यहाँ पहुँचाते रहें और आपको ऐसी मनोरंजन दिलाते रहें। अगर आप मेरा वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर मेरा एंड्रॉयड PC खुल गया है। तो घबराने कोई बात नहीं दोस्तों, ये मेरा पूरा एंड्रॉयड बन गया है, मतलब PC नहीं, इसका दो जैसे ब्लू स्टैक का नाम सुने हो ऐसे एक नॉक्स है, तो ये भी पूरा ब्लू स्टैक जैसा ही काम करता है, पूरा PC जैसा। तो चलिए जो आप देख रहे हैं अल्ट्रासाउंड लास्ट आइकन वाला, ये कुछ इस तरह का आपको आइकन होगा, तो उसको आपको ओपन कर देना है।
ये मेरा पूरा पीसी बन गया है दोस्तों, मतलब जो एंड्रॉयड बन गया है जो मैंने पीसी में इंस्टॉल किया रखा था। चलो इसको ओपन कर देते हैं। ओपन होने के बाद ये भी कुछ सेम पीसी जैसा ही प्रोसेस करता है। इसमें आपको क्या करना होगा, बस स्विच टू कनेक्ट कर देना होगा। तो जैसे ही कनेक्टिंग लेता है, कनेक्टिंग में भी थोड़ा टाइम लगेगा, वो आपके नेटवर्क पर डिपेंड करता है। यहाँ पर सबको आई ट्रस्ट एप्लीकेशन में जाके ओके कर देना होगा। तो कनेक्टिंग में थोड़ा टाइम लेता है दोस्तों, तो आपको थोड़ा टाइम तो देना ही होगा कनेक्टिंग के लिए, तभी आप वो फिक्स एरर कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इसको दिखा नहीं रहा हूँ, आपका एंड्रॉयड में आ रहा है तो अभी सेम यही प्रोसेस कीजिए। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ये सत्य ही है, आपको ऐसा हो जाएगा। तो जैसे आपके पास कनेक्टेड हो गया है तो बस आपको क्या करना है, मूवीज काउंटर में जाना है एंड्रॉयड मॉल में। आपको कोई सभी मूवीज लेनी है, जो भी आपको एरर बता रहा है वो भी आपका एंड्रॉयड में फिक्स हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पास मैं क्रोम ब्राउज़र खोल लेता हूँ, आपको कोई भी ब्राउज़र हो आप क्रोम से खोल लीजिए। दोस्तों मैं बता दूं कि इसमें मैं आप चाहे तो कोई भी अपना मनपसंद मूवीज़ कर सकते हैं, पिक्चर भी जो भी है। तो इसमें मैं चलिए अपना कोई भी मूवीज़ ले लेता हूँ। दोस्तों जैसे बताया कि जैसे मैंने वो अल्ट्रा सब इंस्टॉल किया तो हैंग होना स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा टाइम तो लेगा ही। तो यहाँ पास मैं शोले की मूवी जो है आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। दोस्तों क्या है कि मैं शोले मतलब पुराने पिक्चर गाने का फ़ैन हूँ, तो इसलिए मैंने पुराना पिक्चर सोचा है। तो चलिए दोस्तों ये इसमें भी मेरे में क्या है, एंड्रॉयड में एरर बता रहा था, तो उसके ज़रिए आप भी इसको ठीक कर सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना होगा दोस्तों, बस ये अल्ट्रा सब है वीपीएन से कनेक्ट हो जाता है, बस आपको वही बस करना होगा। ये इसलिए एरर दिखा देता है कि दोस्तों आपका नेटवर्क कम है, आपका जो ब्राउज़र है वो लो चलता रहता है, तो इसीलिए आपको गवर्नर है जो आपको उसको इलीगल कर देती है, आपको मतलब रिजेक्ट कर देती है, इसीलिए आपको उसमें एरर बताता है। तो इसीलिए आपको वीपीएन से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी रहता है इसको प्रोसेस चलाने के लिए। चलिए इसको भी उसी डाउनलोड करना पड़ेगा जैसे आप उसमें पीसीपी द्वारा की थी। बहुत ही इजी सर दोस्तों, मैं आपको बहुत इजी स्टेप यहाँ पास वीडियो दिखाता हूँ। तो आप भी इसको वैसी ही सेम डाउनलोड की तरह इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ कि आपको अच्छी तरह से दिख जाए। तो वैसे ही सेम प्रोसेस करना है दोस्तों, जैसे आप पीसी में किया था, इसमें भी वही सिनॉप्सिस बताता है जो कि पीसी में बता रहा था, सेम एंड्रॉयड में वही है। मूवीज काउंटर जो कि बेस्ट ऐप है, आप चाहे तो वही जो भी मूवीज है आप उन्हीं से डाउनलोड कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आप भी एंड्रॉयड द्वारा ऐसे ही डाउनलोड कर सकते हैं वीपीएन से कनेक्टेड, जिसका नाम है अल्ट्रा सब, जो कि मैं बार बार बता देता हूँ कि आप भुलाएं ना। इसके लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखी है, आप जाके वहाँ पर दोनों डाउनलोड कर सकते हैं पीसी एंड्रॉयड बोथ द्वारा। मैंने बहुत देखा खोज किया है दोस्तों, मैंने हर वीडियो में देखा था भाई क्या यार इस कीपैड में करते हो, ADF डाटा LY उसमें मतलब बताता भी नहीं है, किसी किसी में होता है भाई, किसी किसी में नहीं, अगर आप में होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैंने यही खोज किया अपना बस। तो चलिए दोस्तों इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, काट देता हूँ, बाकी आप तो समझ ही गए होंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके पास रोजाना पहुँचाता रहूँ, आपको मनोरंजन दिलाता रहूँ। तो टेक्नोलॉजी के बारे में जुड़े रहिए मेरे साथ।